थर्सडे को कंगना रनौत ने किया अपने ऑफिस प्रमाइस को इंस्पेक्ट। रिपोर्टेडली बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिमोलिशन वर्क से कंगना रनौत को हुआ करीब 2 करोड़ रुपए का नुकसान। थर्सडे इवनिंग एक्ट्रेस कंगना रनौत हेवी सिक्योरिटी के बीच पहुंची अपने मुंबई ऑफिस पोस्ट द डिमोलिशन ड्राइव लेड बाय द बृहन मुंबई कॉर्पोरेशन। यहां कंगना रनौत ने पूरे एरिया को इंस्पेक्ट किया और रिपोर्टेडली कंगना रनौत को इस दौरान हुआ है करीब 2 करोड़ रुपए का नुकसान। कहा जा रहा है कि बीएमसी ऑफिशियल्स के इस मूव के दौरान कंगना रनौत के कई एक्सपेंसिव आर्टिफैक्ट्स, लग्जरी आइटम्स और मूवेबल आइटम्स जैसे पेंटिंग्स और फर्नीचर को भी नुकसान पहुंचा। फिलहाल कंगना रनौत ने डिसाइड किया है कि वो अपने ऑफिस को रेनोवेट नहीं करेंगी एंड विल वर्क फ्रॉम द रुइंस एज अ सिंबल ऑफ अ वुमेन्स विल। कंगना रनौत ने अपने एक ट्वीट के थ्रू बताया कि उन्होंने अपने इस ऑफिस को जनवरी में ही बनाया था और क्योंकि पैंडेमिक की वजह से उन्होंने कोई नया काम स्टार्ट नहीं किया, सो शी हैज नो मनी लेफ्ट टू रेनोवेट इट। इस ट्वीट के साथ कंगना रनौत ने एक हैशटैग कंगना वर्सेस उद्धव यूज किया। वेल, कंगना रनौत की इस विजिट के बाद यूनियन मिनिस्टर रामदास अठावले भी यहां पहुंचे, जिन्होंने कंगना रनौत को सपोर्ट करते हुए कहा, उनके साथ मैंने 1 घंटा तक बात की है, जो मैंने उनको बुलाया है, उनको बताया है कि आपको मुंबई में डरने की बात नहीं है, मुंबई शिवसेना की भी है, आरपीआई की है, बीजेपी की है, कांग्रेस की है, राष्ट्रवादी की है और मुंबई सभी धर्म के लोगों के, सभी जाति के लोगों के, सभी भाषा के लोगों की मुंबई है। मुंबई अपने देश की आर्थिक राजधानी है और यहाँ सबको रहने का अधिकार है। मुंबई महानगर प्रशासन ने मेरा जो जनवरी में मैंने ऑफिस बनाया था इतना अच्छा बनाया था और अगर कोई 2-3 इंच अगर हमने हमारा कुछ बांधकाम बिल्डर ने ज़्यादा किया होगा उसकी जानकारी मुझे बिल्कुल नहीं है जो उन्होंने बताया, और 2-3 इंच अगर वो बांधकाम ज़्यादा था तो मतलब वो तोड़ना चाहिए था, लेकिन अंदर का मेरा जो फर्नीचर है वो फर्नीचर भी पूरा तोड़ दिया है, पूरे जो वॉल थे वो भी तोड़ दिए हैं और मेरा भारी नुकसान हुआ है। मैं बोर्ड में जा रही हूँ और मैं बोर्ड से मुंबई महानगर पालिका की तरफ से मुझे कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, इसी तरह की भूमिका मेरे सामने उन्होंने रखी है। मैंने उनको बताया कि भाई आपके ऊपर अन्याय हुआ है। इससे पहले कंगना रनौत की सिस्टर रंगोली चंदेल को भी यहां स्पॉट किया गया था। आपको बता दें कंगना रनौत के ऑफिस में हुआ ये डिमोलिशन वर्क वेंसडे को तब हुआ व्हेन बीएमसी ऑफिशियल्स फाउंड दैट द रेनोवेशन दैट वाज बीइंग डन इन कंगना रनौत्स ऑफिस वाज इलीगल। मीनवाइल द बॉम्बे हाई कोर्ट एडजर्न्ड कंगना रनौत्स ऑफिस डिमोलिशन मैटर टिल सितंबर 22nd आफ्टर कंगना रनौत्स लॉयर सॉट टाइम to respond to the affidavit filed by Brihan Mumbai Municipal Corporation, BMC. BMC ne Thursday ko court mein Kangna Ranaut ki file ki gayi plea par apna jawab diya tha. Kangna Ranaut ne apne plea mein unke office mein civic body ke partial demolition ko challenge kiya tha. Dusri taraf Shiv Sena leader Sanjay Raut ne Thursday ko CM Uddhav Thackeray se meeting karne ke baad kaha hai, the Kangna Ranaut episode is over. We have forgotten it. We are busy with our daily government and social work now. On the other hand, reports doing the rounds claim that the BMC may have to redo demolished portions of Kangna Ranaut's office if her documents prove that the space was authorized. Filhal Kangna Ranaut ke saath hue is incident ke baad kai log unhe support kar rahe hain.